माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, आइए हल करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में आपको कुछ मैटर दिया गया है, कुछ संख्याएं दी गई है, समस्याएं दी गई है, आपको उसका हल ज्ञात करना है। किस प्रकार से? आलेखीय रूप में ज्ञात करना है। पहले आपको समीकरण युग्म बनाना है, यानी कि लाइनियर इक्वेशन बनाना है। उसके बाद में उस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी कि आलेखीय रूप से दर्शाना है। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये जो प्रॉब्लम है नीचे दी गई है, इसका आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है। लीनियर इक्वेशन यानी ऐसा समीकरण जिसके अंदर दो चर होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं, जैसे एक्स और वाई, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। कैसे बनाना है? देखिए, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चे थे जिन्होंने गणित की प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको ज्ञात करना है उन लड़के और लड़कियों की अलग अलग संख्या जिन्होंने क्विज में भाग लिया, और उसे दर्शाना है। देखिए, हम ये मानते हैं, माना कि लड़कियों की संख्या x है। आपको कैसे लिखना है उत्तर? उत्तर लिखना है माना कि लड़कियों की संख्या x है, गर्ल्स, इसको लिखते हैं गर्ल्स, गर्ल्स की x है, और बॉयज की है, माना कि बॉयज की संख्या जो है वो y है। ये मान लेते हैं हम, जो संख्या हमें ज्ञात करनी है उसको मान लेते हैं कि x और y है। लड़के और लड़की की कुल संख्या कितनी है? 10। यानी इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितनी हो जाएगी? 10। x प्लस y बराबर 10। ये आपका समीकरण एक हो गया। ये हो गया आपका पहला लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हो गए x और y। और लड़कों की संख्या, लड़कों से लड़कियां 4 अधिक है, यानी ये जो लड़कियां है ये 4 है, ज्यादा है, यानी x जो है वो 4 कम है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि x में से अगर y घटा दी जाए तो कितना बचेगा? 4, क्योंकि y लड़कियां जो है अक्ष, लड़कियां अक्ष है, और ये अक्ष जो है वो वाई से 4 ज्यादा है, इसलिए अक्ष में से वाई घटाएंगे तो 4 बचेंगे। ये आपका समीकरण दूसरा हो गया है। दिस इज द सेकेंड लीनियर इक्वेशन आपका। अब देखिए, आपको एक तालिका बनानी है, जिस तालिका के द्वारा आप इन समीकरणों को प्रकट कर सके ग्राफ के अंदर। आप यहां इस पेज पे आइए, आपने जो दो समीकरण बनाए, पहला कितना बनाया? x प्लस वाई बराबर 10, और दूसरा आपने बनाया x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए, आपको यहां पर ज्ञात करनी है x और y की वैल्यूज अलग अलग स्तरों पर। यहां पर x के बराबर क्या हुआ? x की वैल्यू क्या हुई? यहां पर x की वैल्यू हो गई x बराबर, ये 10 को इधर ले आए 10, और ये y जो लेफ्ट में है इसको राइट में ले आए तो माइनस वाई, यानी x की वैल्यू है 10 माइनस वाई। अगर x की वैल्यू 10 माइनस वाई है, यानी कि 10 में से y घटाने के बाद x की वैल्यू आती है। आपने एक टेबल बना दीजिए जिसमें आप लिखिए x और y, x की वैल्यू मान लीजिए 5 हो, कुछ मान लीजिए, तो y की कितनी होगी? 5। x और y दोनों मिलकर कितने हैं? 10। अगर x 5 है तो y भी 5। अगर x 6 है तो y कितनी होगी? 4। 6 और 4 10, और अगर x 7 है तो y कितनी होगी? 3। इसी प्रकार से समीकरण एक के बन गए टेबल, ये समीकरण दो है इसका भी टेबल बनाइए। यहां पर क्या है? x माइनस 4 बराबर 4 है, तो x बराबर कितना हुआ? x बराबर ये 4, और ये माइनस का है तो इधर आ जाएगा प्लस 4 प्लस वाई। आप इसको टेबल में टेबल बनाइए, ये आपने टेबल बनाई, इस टेबल में आपने ये कॉलम बना दी 4। अब कुछ भी x और y, कोई भी वैल्यू 4 रख लीजिए, ठीक है, आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, आप यही रख लीजिए, आप 5 रख लीजिए, x की वैल्यू 5 है तो y की कितनी होगी? x माइनस 4 प्लस वाई, x की वैल्यू ये क्या है? y में 4 ज्यादा है, ठीक है, x बराबर 4 प्लस वाई, तो y कितना होगा? अगर y, अगर
एक है तो एक में चार जोड़ेंगे तो एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसकी वैल्यू छह है तो यह कितने हो जाएंगे, दो, क्योंकि दोनों में चार का अंतर है और अक्ष वाला चार ज्यादा है, अक्ष वाला चार ज्यादा है। अगर यहां पर सात रखेंगे तो यहां पर तीन आ जाएगा। ये होगी आपकी दूसरे समीकरण के अनुसार इसकी वैल्यूज। अब आपको इसको रखना है ग्राफ के अंदर। इस ग्राफ में कैसे रखना है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें ये एक एक्स एक्सिस है और ये वाला जो है वाई एक्सिस है। यहां पर जीरो है, जीरो से ये प्लस के एक्स है, ये माइनस के एक्स है, ये प्लस के वाई है, ये माइनस के वाई है। पहला जो आपका ये जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, पांच और पांच, तो पहला जो कोऑर्डिनेट बन रहा है वो आपका पांच और पांच बन रहा है। अब इस पांच और पांच को, यानी पांच अक्ष का है और वाई का है पांच, तो उसको कहां रखोगे आप, दोनों प्लस के हैं तो ये इस इधर आएंगे, तो आप प्लस के पांच अक्ष, पांच यहां है और इसके पांच वाई है, तो ये जो जहां पर ये दोनों मिलते हैं, यहां पर यहां दोनों मिलते हैं पांच वाई और पांच एक्स, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये हो गया पांच पांच। इसको हम बोल देंगे पांच और पांच, पांच और पांच पांच का कोऑर्डिनेट निर्देशांक कहां है, यहां पर है। उसके बाद देखिए छह और चार का, तो छह इधर और चार इधर, यानी ये चार और छह, ठीक है, छह एक्स में और वाई में चार, तो ये आपका क्या हो गया छह और चार का कोऑर्डिनेट। उसके बाद क्या है सात और तीन, तो ये सात और तीन, यानी ये तीन, ये तीन की लाइन है और ये सात की लाइन है, तो ये जो आपका कोऑर्डिनेट हो गया ये हो गया सात और तीन, कौन सा ये वाला। अब देखिए आप इसको मिला दीजिए, ये आपने इसको मिला दिया, ये आपका एक्स प्लस वाई है, इसको आपने ज्योमेट्रिकली यानी ग्राफिकल रूप से लिख दिया, इसको आपने आलेखीय रूप में इसको लिख दिया, ग्राफिकल रूप में आपको यहां पर लिख दिया है, ठीक है। अब आप ये दूसरा समीकरण है इसको भी लिखिए, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, पांच और एक, छह और दो और सात और तीन, पांच और एक, तो पांच कहां है ये और एक कहां है ए, वाई का एक और पांच जो है अक्ष का, तो ये आपका कोऑर्डिनेट कितना हो गया पांच और एक, ये हो गया पांच और एक, ओके। दूसरा कोऑर्डिनेट आपका क्या है छह और दो, तो छह कहां है यहां और दो कहां है यहां, यानी ये बिंदु, इसको जोड़ दो, ये बिंदु क्या है छह और दो, ये छह और चार, छह और चार ये, तो ये बिंदु क्या होगी छह और दो, छह और दो ये वाला बिंदु। तीसरा क्या है सात और तीन, तो सात तो ये और तीन, यानी यही वाला, यही मिला, यही वाला बिंदु सात और तीन हो गया जो अपने लिख रखा है, तो ये आपको जोड़ दिया, यानी ये आपका बन गया दूसरा समीकरण, दूसरा जो है उसको आपने ग्राफिक रूप से प्रेजेंट किया। अब आप जैसे जैसे ये संख्याओं को आगे बढ़ाते जाएंगे, ये संख्याओं को आप कितना ही बढ़ा सकते हैं, उसी प्रकार से वाई की वैल्यू चेंज होती जाएगी। यहां भी ऐसा ही होगा, अक्ष को जैसे जैसे बढ़ाओगे वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यहां भी एक्स को जैसे जैसे, यहां एक्स को जैसे जैसे बढ़ाया वाई की वैल्यू कम हो रही है, यहां एक्स को जैसे जैसे बढ़ाया वाई की वैल्यू बढ़ रही है, यानी ये जो है ये तो बढ़ता हुआ क्रम में है और ये घटते हुए क्रम में है। आप इस लाइन को आगे भी खींच सकते हो, आगे के जो आंसर आएंगे आपके इस प्रकार से आएंगे, यानी ये लाइन जो है अगर इधर बढ़ती जाएगी, ये इधर बढ़ती जाएगी और ये इधर बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वहां पर इसको लाइन को क्रॉस करती है। ग्राफीय विधि से हल के लिए हम जब बने हुए ग्राफ को देखते हैं तो पाते हैं कि बिंदु सात और तीन में दिए गए समीकरण के लिए प्रतिच्छेदन बिंदु है, ये क्या है इंटरसेक्शन है इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, जो कि रेखीय समीकरण युग का उभयनिष्ठ हल है। यही जो सॉल्यूशन है जो कि इसका एक कॉमन सॉल्यूशन है, और इसलिए लड़कों की संख्या सात होगी और लड़कों की संख्या तीन होगी। इससे हमें, हमने हल कर लिया इस प्रश्न को, पूछा था प्रश्न, पूछा था कि लड़की लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, लड़के और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम कहेंगे कि लड़कियों की संख्या गर्ल्स कितनी है सेवन है, यानी एक्स की वैल्यू सात है, और लड़कों की संख्या तीन है, यानी बॉयज की तीन है। ये आपका आंसर
आ गया, क्योंकि सात और तीन के निर्देशांक पर ये एक दूसरे को काटते हैं यहां पर। क्लियर। देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो है आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है ये पूरा, आप चाहें तो ये भी इसका एक तरीका है। यहां पर जो है इसके टेबल बनाए गए, ये अलग है आंकड़े, लेकिन ये उत्तर वही आता है सात और तीन। ठीक है, ये दूसरा हल है जो आप इसको पोज करके पढ़ सकते हैं या इसको स्क्रीनशॉट ले करके और आराम से तसल्ली से पढ़ सकते हैं अगर आपको हवाया पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया हो तो। अब हम करेंगे पार्ट टू ऑफ क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज 3.2। इस प्रश्न में क्या दिया है कि इसमें दिया है कि पांच पेंसिल और सात पेन की एक साथ कीमत 50 है। अब हम जो है पेंसिल को मान लेते हैं, मान लीजिए पेंसिल का मूल्य है वो अक्ष है और पेन का मूल्य जो है ये पेंसिल और ये पेन, पेन का मूल्य है वो वाई है। तो पांच पेंसिल यानी पांच अक्ष और सात पेन यानी सात वाई, उन दोनों की एक साथ कीमत करें, दोनों को जोड़ दो। पांच पेंसिल की कीमत पांच को अक्ष से गुणा किया, सात पेन की कीमत सात को वाई से गुणा किया, तो इनकी कीमत कितनी है 50। ये हमारा हो गया समीकरण एक। दूसरा समीकरण क्या है, सात पेंसिल और पांच पेन की 46 है, यानी सात अक्ष प्लस पांच वाई बराबर 46। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब देखिए आपको समीकरण एक से टेबल बनाइए, इस समीकरण को अपन इधर इधर लिख देते हैं। क्या है समीकरण पहला, क्या है पांच एक्स प्लस 7y बराबर 50। पहले इसको हल कर लेते हैं, दूसरा भी लिख लेते हैं यहां पर। दूसरा क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46। इसकी टेबल बनाते हैं हम, पहले कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। 5 अक्ष बराबर 50 माइनस 7y, तो अक्ष बराबर कितना हो गया 50 माइनस 7y बटा 5, ये अक्ष की वैल्यू हो गई। तो हम जो है यहां पर एक टेबल बनाते हैं, इस टेबल में ये दो कॉलम बनाए, ये चार कॉलम बनाए, यहां हमने लिखा अक्ष और यहां लिखा वाई। अगर एक्स की वैल्यू कुछ भी मान लो, तीन मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं और माइनस 4 मान लेते हैं, तो वाई कितना होगा, कैसे करोगे, अक्ष की वैल्यू 3 मान ली तो अक्ष से लगे 3, तो 3 बराबर 50 माइनस 7y बराबर 5। अब 5 को 3 से गुणा कर दो तो ये सिंपल हो जाएगा, यानी कि 15 हो गया ये। ठीक है, तो 15 बराबर 50 माइनस 7y, या इसको और करें तो 7y को इधर ले आओ आप, 7y बराबर 7y, ये क्या माइनस का है ना, तो माइनस माइनस 7y बराबर 15, और ये इधर माइनस आ जाएगा, यानी माइनस 7y बराबर माइनस 35, तो y बराबर माइनस 35 में माइनस 7 का भाग दे दो 5 रहेगा, तो यहां लिख देंगे हम 5। इसी प्रकार से हमने 10, अगर x की वैल्यू 10 है तो यहां लिखा हमने 10, ये 10 लिखा x की वैल्यू, तो 10 इक्वल टू 50 माइनस 7y, फटाफट कर लेते हैं अपॉन 5, इसको गुणा कर दो 50 हो जाएगा, 50 बराबर आप पहले माइनस 7 ले लो प्लस 50, अब माइनस 7 वाई बराबर 50, 50 और ये 50 जो है इधर आएंगे तो माइनस 50 यानी 0, तो y बराबर 0, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर गुणा 0 से करने पे 0 ही आता है, तो y बराबर 0, तो आप लिख दो यहां पर 0। माइनस 4 x बराबर माइनस 4 यानी माइनस 4 बराबर 50
माइनस सात वाई बटा पांच, तो पांच से गुणा किया तो माइनस बीस हो गया, माइनस बीस बराबर पचास माइनस सात वाई, तो सात वाई बराबर माइनस बीस माइनस पचास, माइनस माइनस जो भी सत्तर हो गए, सात वाई बराबर सत्तर, तो वाई बराबर सत्तर में सात का भाग दिया दस, ये हो गया दस, ये आपका पहला हो गया। इसको जो है आप ग्राफ में कैसे दिखाओगे, इस ग्राफ में आपने दिखाना है इसको, तो देखिए पहले इसको दिखा लेते हैं। अक्ष वाई, अक्ष की वैल्यू तीन, वाई की वैल्यू पांच, तो अक्ष का तीन कहां है, यहां, वाई की वैल्यू पांच कहां है, यहां, तो ये हो गया पहला कोऑर्डिनेट आपका तीन पांच, ठीक है, आप इसको लिख दो तीन और पांच। दूसरा क्या है, दस और जीरो, यानी इसका हो गया ये दस अक्ष का, ठीक है, अक्ष का दस क्या है नौ है, तो ये दस हो गया यहां थोड़ा आगे, और जीरो ये है, तो ये कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया दस जीरो, ये वाला, ठीक है। और माइनस चार दस, माइनस चार एक्स का, आप देखिए माइनस चार है तो ये एक्स का जो है ये इधर आएगा, ये माइनस चार, और वाई का कितना है दस प्लस का, यानी ये नौ है तो ये दस, ये माइनस चार के ऊपर ये दस, ये क्या है माइनस चार और दस, ये पॉइंट आ गया, यानी ये जो आपके पॉइंट है ये, अब इनको आप मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दिया, ये लाइन बन गई आपकी, क्या इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, फाइव एक्स प्लस सेवन वाई बराबर फिफ्टीन, ओके। अब हम दूसरी लाइन पे आते हैं, दूसरा जो समीकरण है आपका ये वाला, ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिए सात एक्स प्लस पांच वाई बराबर छियालीस, तो सात एक्स बराबर फोर्टी सिक्स माइनस फाइव वाई, ये पांच वाई जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा राइट में आने के बाद, तो सात एक्स बराबर फोर्टी सिक्स माइनस फाइव वाई, या हम कहेंगे कि एक्स बराबर फोर्टी सिक्स माइनस फाइव वाई बटा सात, ये सात को इधर ले आए तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आप जो है वैल्यू देखिए एक्स की, कुछ भी वैल्यू देख लीजिए, आपकी मर्जी की बात है, मान लीजिए हम इसको आठ रख देते हैं, ये तीन रख देते हैं, माइनस दो रख देते हैं, समझने के लिए आप कुछ भी रख लीजिए, तरीका वही अपनाना पड़ेगा आपको, और आपके उत्तर जो है वही आएंगे, कोऑर्डिनेट्स वही आएंगे। अब देखिए आपका जो एक्स है किसकी वैल्यू आठ है, तो एक्स जगह आप लिखा आठ, तो एट बराबर फोर्टी सिक्स माइनस फाइव वाई अपॉन सेवन, तो आठ को सात से गुणा किया तो छप्पन हो गया, फोर्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स बराबर छियालीस माइनस फाइव वाई, या हम लिखेंगे फाइव वाई बराबर, ये तो आपका माइनस है नहीं, तो माइनस फाइव बराबर छप्पन और माइनस छियालीस, यानी छप्पन में फिर छियालीस गया दस, ठीक है, माइनस फाइव वाई बराबर, माइनस फाइव बराबर दस, तो वाई बराबर दस में पांच का भाग दिया दो और माइनस आ जाएगा, वाई बराबर माइनस दो, तो ये क्या आएगा माइनस दो, ठीक है। आप निकालिए एक्स की वैल्यू तीन, तो आप लिखिए तीन बराबर फोर्टी सिक्स माइनस फाइव वाई अपॉन सात, सात को तीन से गुणा किया इक्कीस बराबर छियालीस माइनस पांच वाई, तो पांच वाई बराबर इक्कीस माइनस फोर्टी सिक्स माइनस पांच वाई, ठीक है, माइनस पांच वाई बराबर इक्कीस माइनस फोर्टी सिक्स, तो माइनस पांच वाई बराबर हो गया इक्कीस, छियालीस में से इक्कीस गया तो कितना बच गया ये ट्वेंटी फाइव, क्या माइनस का, तो वाई बराबर पांच, माइनस माइनस का है इसलिए वाई का बराबर पांच हो गया, तो आप लिख देंगे वाई की वैल्यू पांच। अब वाई एक्स की वैल्यू माइनस टू है, तो आप लिखिए माइनस टू बराबर फोर्टी सिक्स माइनस फाइव वाई अपॉन सात, सात को दो से गुणा किया चौदह बराबर छियालीस माइनस पांच वाई, पांच वाई बराबर चौदह और छियालीस माइनस का हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं, तो पांच वाई बराबर चौदह और छियालीस दोनों माइनस के हैं,
यानी कि 5y बराबर 14 और 46 60, ठीक है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो y बराबर 60 में 5 का भाग दिया तो 12, 60 में 5 का भाग दिया 12, ये हो गया 12। ओके, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब आप इसको ऊपर इसके ऊपर डालिए, x का 8 का है यहां और y का -2, यानी ये नीचे की तरफ, ये -2, ये -1 और ये -2, तो 8 के नीचे जो है ये 8 है, तो ये 1 और ये 2, ये -2 है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ये हो गया आपका 8 और -2। दूसरा क्या, 3 और 5, ये 3 है और ये 5 है, यानी ये आ गया, यही आ गया 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 का आपका यही आ गया, तो आप इसको जोड़ दिया, ठीक है, वैसा ये वाला 3 और 5। और उसके बाद में क्या है, -2 से 12। अब -2 यानी x का जो है ये तो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और 12 क्या है, प्लस का, यानी ये आपका 9 है, यानी 12 इसके ऊपर आएगा, -2 के ऊपर ये 12 आ गया, यहां ऊपर कहीं 9 तक तो ये है, उसके बाद 10 11 12, तो ये पॉइंट आ गया आपका, ये क्या आ गया, 2 -2 और 12। अब इस पॉइंट को भी आप इससे मिला दीजिए, यानी ये आपकी लाइन जो है, एक लाइन तो ये बनी थी पहले और एक लाइन ये बनी, ये मिलती कहां है, 3 और 5 पे, 3 5 पे प्रतिच्छेद करती है, तो पेन सेल का मूल्य कितना हुआ, 3 और पेन का कितना हुआ, 5, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस ग्राफ के द्वारा आपने इस प्रश्न का हल निकाल लिया, ये जो प्रश्न आपका था, इस प्रश्न का हल आपको क्या ज्ञात करना था, आलेख के रूप में ज्ञात करना था, आपने आलेख के रूप में ये आलेख बना करके और 3 और 5 पे दोनों लाइनें प्रतिच्छेद करती है, इसलिए 3 और 5 इसके आंसर आ गए, कलम 5 रुपए की और पेंसिल 3 रुपए की, क्लियर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।